वेलकम टू टेक्नो राहुल। आज का जो वीडियो होने वाला है कि कूलेंट कैसे चेंज करते हैं। तो बेसिकली ये हुआ कि मैं 2-3 दिन से गाड़ी चला रहा था, टाउन में चला रहा था। तो गाड़ी 10-15 मिनट चलने के बाद गाड़ी बहुत ओवर हीट हो रहा था। तो इसके कारण मैंने जब कूलेंट चेक किया तो गाड़ी में कूलेंट बहुत कम था। मैं सोच रहा था कि कूलेंट को पूरी तरह चेंज कर दूं, तो मैंने कल कूलेंट खरीदा था तो आपको दिखाता हूँ। बेसिकली कूलेंट दो टाइप का रहता है, एक जिसमें पानी मिलाना पड़ता है और दूसरा जिसमें बिना पानी का डायरेक्ट डालते हैं। तो मैंने ये ख़रीदा, तो आप देख सकते हैं ये TVS का, तो मुझे पड़ा 200 रुपीस में। तो इसमें पानी मिलाना पड़ता है, तो पानी मिलाने का जो कूलेंट रहता है वो किस लिए अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलता है और जो बिना पानी का है वो उसके कंपेयर में कम दिन चलता है। तो इसलिए मैं पानी मिलाने वाला जो कूलेंट है उसको ही लाया हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब है, वो भी ठीक है, वो एडवांस लेवल का है। तो ये पुराना पुराना गाड़ी जो था उसमें ये पानी मिलाने वाला मतलब जो कूलेंट है वो ही डालते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिन टिकता है वो, मतलब वो ख़राब होने में टाइम लगता है। मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी कूलेंट चेंज करते हैं सुबह सुबह कीजिए, क्योंकि गाड़ी जब गर्म गर्म रहता है तो आप उसको खोलेंगे तो वो पूरी तरह उबल के, मतलब जब वो कूलेंट का एक बॉक्स रहता है जहाँ पे कूलेंट डालते हैं उससे उबल के आपके हाथ में भी गिर सकता है। मैंने बहुत सारे जन का ऐसा देखा कि कूलेंट खुलते वक्त हाथ में गिरा और हाथ जल गया। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जब गाड़ी पूरी तरह ठंडा होना चाहिए और उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। दिखाता हूँ कि कैसे कूलेंट चेंज करते हैं, तो बाहर चलिए दिखाता हूँ। कूलेंट चेंज करने के लिए आपको दो चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, एक है वो कूलेंट और दूसरा है ये डिस्टिल वाटर। तो आपको पता ही होगा कि जब आप लोग कूलेंट खरीदते हैं तो कूलेंट में लिखा होता है 1:4, आपको शायद दिख रहा होगा। तो 1:4 का मतलब यही है कि कूलेंट 1/4 रहेगा और 3/4 रहेगा डिस्टिल वाटर। तो आपको मिक्स करके उसको डालना पड़ेगा। तो दिखाता हूँ कहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, तो चलिए दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये है कूलेंट का जो बॉक्स जहाँ पे कूलेंट डलता है। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट ओपन व्हेन हॉट, तो आपको इस कैप को जब गाड़ी पूरी गर्म होता है तो इसको खोलना नहीं है। इस खोलने से पूरा मतलब उबल कर आपके शरीर में कूलेंट पड़ सकता है, उसके कारण आपका हाथ भी जल सकता है। तो जब मैंने ये कैप खोला तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा पूरे का पूरा खाली है। इसके कारण मेरा जो गाड़ी है वो बहुत ओवर हीट हो रहा था 10-15 मिनट चलाने के बाद। तो आप जब भी कूलेंट डालते हैं इस पर, तो ये कूलेंट यहाँ से पाइप से होकर ये जो रेडिएटर इस पे आता है तो इस पे पूरा फैल जाता है कूलेंट। ये देख सकते हैं ये है रेडिएटर का फ़ैन जो आपका गाड़ी को ठंडा करता है जब ज़्यादा हीट होता है। तो इस आप लोगों को जो पुराना वाला जो कूलेंट रहेगा गाड़ी में वो निकालने के लिए इस रेडिएटर के नीचे ये या लेफ्ट साइड राइट साइड में कहीं पर भी आपको एक नट मिलेगा, उस नट को आपको खोलना है। तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बहुत नीचे है, तो इसको खोलने से जो पुराना वाला जो ख़राब वाला कूलेंट रहेगा वो सब गिर जाएगा, मतलब उस वो खोलने के बाद। तो आपको खोल के दिखाता हूँ। हीटर का जो नीचे का नट है उसको खोलने के लिए आपको सिर्फ ये पास चाहिए। तो आप देख सकते हैं इससे आप खोल सकते हैं, नीचे की तरफ होगा तो आपको जिस साइड से कंफर्टेबल लगे उस साइड से आप उसको खोल सकते हैं। और एक चीज़, गाड़ी गर्म होने से वो मत खोलिए, ठंडा होने दीजिए उस गाड़ी को, उसके बाद आप उसे खोल सकते हैं। और एक चीज़, कैसे पता चलता है कि वो कूलेंट वो ख़राब हो गया है? तो कूलेंट बेसिकली ग्रीन कलर का रहता है जब वो ठीक रहता है, तो धीरे धीरे जब आप उसको यूज़ करते हैं गाड़ी उसको हीट करता है तो वो रेड कलर का या दूसरा कलर का हो जाता है। इसका मतलब आपका गाड़ी का जो कूलेंट है वो ख़राब हो गया है, उसको चेंज करने का टाइम है। तो उसको ड्रेन किया, मतलब उसको नाट खोला, तो कूलेंट पुराना जो कूलेंट था सब नीचे गिर गया, उसके बाद वो नाट लगा दिया। तो मेरा जो कूलेंट था गाड़ी में वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, फिर भी मैंने बदल दिया उसको। तो अभी उसको डालने का टाइम है, तो 1/4 मतलब एक भाग रहेगा कूलेंट और 3 भाग रहेगा इसका डिस्टिल वाटर। तो डालते हैं, चलिए।
गाड़ी को थोड़ा चला के दिखूंगा कि गाड़ी हिट हो रहा है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक्नो राहुल, थैंक यू।